हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू साइंस कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आपका और हम सबका बेटी खुद सा चैनल साइंस कॉन्सेप्ट। मेरा नाम श्वेतांश कुमार। चलिए फटाफट कॉपी कलम निकालते हैं, पढ़ाई करते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं मेंडल्स लॉ और थोड़ा सा क्रोमोजोम के बारे में। तो मेंडल्स लॉ जो था, मेंडल्स का तीन लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये तीन लॉ है जिसमें आपको हम समझाए थे। रिकैप कर रहा हूँ समझाने के लिए, आपको मैं समझाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काफी सिंपल है, आप लोग समझ भी गए। आप क्या समझे, आप हमको बता रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। देखो आप यही बोल रहे हो कि सर दो कैरेक्टर है, एक एलील है, इसमें दो जीन है। तो जब दो जीन एक साथ रहेगा तो जो डोमिनेंट रहेगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये जो प्लांट आया था बार बहुत बार क्रॉस किए हैं, पिछले लेक्चर में सिर्फ क्रॉस ही किए। तो ए आया था कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन, हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। तो इस प्लांट को या तो टॉल होना चाहिए, मतलब इसको इंटरमीडिएट होना चाहिए था, नहीं टॉल होना चाहिए नहीं ड्वार्फ होना चाहिए, बीच का होना चाहिए क्योंकि दोनों का कैरेक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देखा गया कि ये प्लांट टॉल है, इसका मतलब है कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, है ना? तो ये कंक्लूजन कहां से निकला था? मोनोहाइब्रिड से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोनोहाइब्रिड से कौन लॉ ड्राइव हुआ है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये डाईहाइब्रिड का कंक्लूजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड का से कौन मेंडल का कौन लॉ को ड्राइव किया गया है मोनोहाइब्रिड से? तो आप बोलोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कौन लॉ है जो डाईहाइब्रिड से लाया गया है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप कहिएगा सर लॉ ऑफ डोमिनेंट हम समझ गए कि दो कैरेक्टर एक साथ रहेगा तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वही डोमिनेंट है, यही है। आउट ऑफ टू कैरेक्टर ओनली वन एक्सप्रेस देमसेल्फ, सिंपल है। अब सुनो, आज मैं समझाने आया हूँ डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों मिलता जुलता लग रहा है लेकिन हल्का सा डिफरेंट है, डिफरेंस है, उसी को समझते हैं। फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात, सुनिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? देखो गेमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जब गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेट्स बनता है, तो हेप्लॉयड सेल है, टू एन है, तो ये क्या करेगा ना, डिवाइड करके ये अपना क्रोमोजोम को अलग अलग गेमेट्स बना देंगे, यानी ये डिवाइड करके अलग अलग ये हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही है कि ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन जो कैरेक्टर होता है, जो जीन होता है, वो सेग्रीगेट करता है। ठीक है, जैसे देखो ए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है, तो कैपिटल वाई ये अपना सेग्रीगेट होगा, अलग होगा, ये भी अलग होगा गेमेट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, यही चीज बता रहा हूं कि सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि गेमेट्स गेमेटोजेनेसिस के दौरान, गेमेट फॉर्मेशन के दौरान कैरेक्टर अलग अलग होंगे। 50-50 चांस है आइदर ऑफ द कैरेक्टर, या तो जैसे कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, तो ये सेग्रीगेट होके एक तरफ जाएंगे कैपिटल वाई, एक तरफ स्मॉल वाई। यही बात लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स दे विल बी डेफिनेटली सेपरेटेड। गेमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली सेपरेटेड होगा। टू ट्रेड विल नॉट कॉमन स्टे टूगेदर, जैसे ऐसा नहीं है कि ये दोनों कॉमन है और दोनों एक साथ रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो डिप्लॉयड सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे ना, तो अपना दो कैरेक्टर एक साथ कभी नहीं रहेगा। जब ये पैरेंट है और इसको गेमेटोजेनेसिस करना है, गेमेट्स बनाना है, तो ये डिवाइड करके आइदर दोनों तरफ जाएंगे, समझ रहे हैं? सिंपल है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ चला जाएगा, नहीं, 50-50 सेपरेट होंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वेरी सिंपल। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है ना, ये सेपरेट तो हो गया, अब सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद फिर ये मान लो क्रॉस करके दूसरा ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो सब अपना अपना इफेक्ट दिखाएगा, कोई भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बात को समझिए, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ देयर इज मोर देन टू कैरेक्टर, यहाँ दो कैरेक्टर है, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर मैं ला दिया, ठीक है, तो वन कैरेक्टर विल नोट द इफेक्ट ऑफ
द अदर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो कैपिटल डी, कैपिटल डी है, ए स्मॉल ए, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई है, तो ए प्लांट क्या बनेंगे, टॉल येलो बनेगा। तो टॉल येलो बनेगा, बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉल वाला कैरेक्टर अपना दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि ये इसको अफेक्ट करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक टॉल है तो ये डोमिनेंट वाला है, तो ये ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि ये टॉल है तो येलो वाला प्लांट इसके साथ आए, मतलब येलो वाला प्लांट आए, ऐसा नहीं होता है। मैं कह रहा हूं, क्या ध्यान से सुनो, ये कैरेक्टर जो है ये अपना आपको अपना ही कैरेक्टर शो करेगा, ये किसी की भी तरह का डोमिनेंसी इस पर नहीं दिखाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं दिखाएगा, एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्री है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, फ्री है, सब अपना अपना कैरेक्टर को दिखाएंगे। यही बात लिखा हुआ है, देयर इज मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक, वन कैरेक्टर विल नॉट अफेक्ट द अदर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ दो कैरेक्टर है, देखो हाइट है प्लांट का तो एक टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। कलर ऑफ फ्लावर है तो येलो है, व्हाइट है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये कॉम्बिनेशन है तो है, तो है, ऐसा नहीं है कि ये एक कैरेक्टर दूसरे को अफेक्ट करे, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कैपिटल डी है तो इसको अफेक्ट कर देगा कैपिटल वाई को, नहीं, सब इंडिपेंडेंटली अपना अपना इफेक्ट को दिखाएगा, अपना अपना सेपरेट भी हो जाएगा, कैपिटल वाई ये ऐसे सेपरेट होगा, तो ये भी है, दोनों अलग अलग होगा एकदम, फिर दिल्ली किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन या लिंकेज वाला बात नहीं है, समझो कि इसमें इंडिपेंडेंट और सर्वेंट में लिंकेज नहीं है, कितना भी कैरेक्टर अलग अलग कैरेक्टर एक साथ आएंगे तो कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, सब अपना फिडेलिटी अपने इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है, लिंकेज नहीं है, ईच कैरेक्टर इज फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कोई किसी को सप्रेस ये सब नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं, सब फ्री है, अपना इफेक्ट दिखाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तो सिंपल है कि सेग्रीगेट कर जाता है आइदर ऑफ द कैरेक्टर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो, और इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, लिंकेज नहीं है, दो से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ रह सकते हैं और वो किसी के इफेक्ट को प्रभाव नहीं करेगा, सिंपल बात यही है, मैं समझाने की कोशिश किया, आई होप समझ में आया होगा, आप फीडबैक देना। चलो अब पढ़ते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, आप इसको समझने के लिए लिख सकते हो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब लॉ ऑफ सॉरी अब सेक्स डिटरमिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, चलो हम लोग देखते हैं सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है। आज का एक टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन, यानी जब बेबी होता है तो बेबी जो चाइल्ड होंगे वो गर्ल्स होगा कि बॉयज होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है, इसी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो पिछले दिन हम लोग क्रोमोजोम नंबर देखे हुए हैं, ठीक है, तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, ठीक है, जिसमें 22 पेयर अलग होता है, 1 पेयर अलग होता है, अलग इन सेंस कि 22 पेयर जो होता है ऑटोजोम होता है, ठीक है, और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम होता है, तो ये जो 22 पेयर क्रोमोजोम है ऑटोजोम्स, ये सेक्स बॉडी का सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है, मेल होगा कि फीमेल, बाकी जितना कैरेक्टर है वो सब को डिटरमाइन करता है, तो मेल और फीमेल में ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेम ही होता है, सिर्फ वही एक ये जो 1 पेयर है ना यही डिफरेंस हो जाता है। तो कोई पूछेगा जेनेटिकली लेवल पर बताओ लड़का लड़की में क्या डिफरेंस है, तो सीधा बोलना सेक्स क्रोमोजोम का डिफरेंस है, बस यही एक पेयर का डिफरेंस होने की वजह से आप देखो लड़का लड़की में कितना डिफरेंस आ गया, सोचो, जबकि 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में सेम है, जो हमारा हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल का भी है ना, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है फीमेल का भी है, कुछ कुछ एक पेयर के वजह से जो चेंज होता है वो तुम्हें भी पता है क्या चेंज होता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर सेम है, हाथ पैर मुंह ये सब चीज सेम ही है, सिर्फ यही बदल जाने की वजह से कितना बदलाव आ गया एक पेयर बदलने की वजह से, इमेजिन करो करो इमेजिन करते रहो बेटा, इमेजिन करो जितना करो। इधर देखो तो यही लिख दिए है, ऑटोजोम में कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटरमिनेशन में, ऑटोजोम जो होता है ना इसमें इसका क्या रोल है सेक्स डिटरमिनेशन में, कोई नहीं है क्योंकि दोनों में एक कॉमन है, ठीक है। देखो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोजोम, जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम था
वहां देखे थे पिछले क्लास में, आज भी दिखाए हैं, वही बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक, अब देखो मेल होता है फीमेल होता है, तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक्स वाई होता है, पता है सबको पता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक, तो ये जो स्पर्म होता है मेल गैमेट्स, ये कंटेन करता है आइदर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा। ये प्रोबेबिलिटी का चांसेस है, जैसे ओवरी है वो ओवम रिलीज करता है, ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंपुला रीजन में जाकर के रुकता है, फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और वो ओवम के साथ जाकर के क्या करता है, फ्यूज करता है। ठीक, तो स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड सेल है, उसमें आइदर एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। अगर ये स्पर्म कैरी करके आ रहा है एक्स, और जो फीमेल है तो उसके पास एक्स एक्स ही है, वो कोई भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहा है ना, दोनों एक्स ही है, दोनों का मतलब बात बराबर है। ठीक, तो मेल अगर कैरी करके लाया एक्स और फीमेल में भी पहले एग में भी एक्स था, तो एक्स एक्स मिलेगा तो गर्ल है ना। अगर स्पर्म कैरी करके लाया, अगर वो स्पर्म फ्यूज किया जिसमें वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स तो ओवम में था और वाई फ्यूज करेगा तो एक्स वाई हो जाएगा, तो मेल हो जाएगा, समझ रहा है, तो कैसे डिटरमिनेशन हो रहा है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर देता हूं, मेल गैमेट्स कैरी आइदर, मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म, ठीक है, मेल गैमेट्स कैरी आइदर एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स इफ स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम, इफ स्पर्म कैरी वाई क्रोमोसोम देन चाइल्ड विल बी, बताओ क्या होगा, लड़का होगा, लिख लेना बॉय। ठीक है, फिर लिख देता हूं, इफ स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम्स देन बताओ, देन चाइल्ड विल बी गर्ल। ठीक है, ये होगा, अब कैसे होगा, ये स्पर्म कैरी करेगा आइदर एक्स या वाई क्रोमोसोम, बात तुम समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉइड सेल है, तो किसी स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, किसी में वाई क्रोमोसोम होगा, किसी में, ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है 50-50%। देखो मैं समझाता हूँ, इधर देखो, मेल को बायोलॉजी में ऐसे लिखते हैं, फीमेल को ऐसे लिखते हैं, तुम्हारे जानकारी के लिए फिर से लिख देता हूँ, मेल फीमेल, बताओ मेल में क्या है, एक्स है और फीमेल में, सॉरी मेल में एक्स वाई है, फीमेल में एक्स एक्स है। देखो अब इसको क्रॉस कराओ, तो इधर से अगर एक्स, इधर से भी एक्स आया, अरे गैमेट्स में एक ही ना कोई क्रोमोसोम होगा, तो इधर से एक्स आया, इधर से एक्स आया, तो ये बन गया। ठीक है, और क्या है ना, थोड़ा अच्छा से देख लो, देखो इसमें एक्स भी आ सकता है, इधर से वाई भी आ सकता है, जबकि इसके पास एक ही चांस है सिर्फ एक्स, कोई भी दे दोनों कॉमन है। चलो तो यहाँ एक्स वाई दोनों आने का चांस है। अब अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आया है और ओवम से फ्यूज कर गया, तो एक्स एक्स बनेगा। ठीक, सिंपल। अब दूसरा चांस है कि ये वाई वाला एक्स से बन जाए, तो एक्स वाई बनेगा, तो एक्स एक्स हुआ मतलब गर्ल बेबी हो जाएगा, और एक्स वाई हुआ मतलब बॉयज हो गया। ठीक है, तो देखो बात क्या है ना, कि 50% चांस होता है लड़का होगा कि लड़की होगा, ये 50% चांस है, तो नेचर कितना बैलेंस बनाया है, लड़का लड़की 50%, मतलब 50% लड़का हो सकता है, 50% लड़की हो सकती है, चांसेस है ना, लेकिन हम लोग इनबैलेंस कर रहे हैं, अलग बात है। देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि क्या है ना, एक सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें बेबी का सेक्स को डिटरमाइन कर दिया जाता है, जब बेबी का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम, उसको फियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, बेबी का सेक्स पता कर लेता है और पता चल जाता है कि गर्ल्स है, तो उसको यूट्रस में ही मार दिया जाता है, फीमेल फियोसाइट्स उसको बोलते हैं। ठीक, तो जिसके वजह से रेशियो खराब होने लगा है गर्ल्स और बॉयज का, है ना, ये हो गया।
और फिर एंशियंट के टाइम में, पहले के टाइम में ये माना जाता था कि अगर कोई मदर है वो सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड प्रोड्यूस कर रही है तो इसके लिए ब्लेम किया जा रहा था मदर को। लेकिन जैसे बायोलॉजिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो अभी क्लियर हो गया मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। वो बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा ये डिटरमाइन करेगा मेल, फीमेल नहीं। तो ये बायोलॉजिकल साइंस डेवलपमेंट होने के वजह से मिसकंसेप्शन जो था एंशिएंट टाइम में वो अब खत्म हो गया। अभी भी माना जाता है, अब छोड़ो जो मानता है उसका बात क्या है, इधर देखो। तो ये आप बना लेना, फिर मैं लिख देता हूं, देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी टू बिकम गर्ल्स और बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 50% प्रोबेबिलिटी टू बी चाइल्ड गर्ल और बॉय। ठीक है, 50% चांस है। फिर एक पॉइंट और लिख सकता है, अपने से कहानी बना के लिख लेना, इन एंशियंट टाइम इट वाज बिलीव दैट फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड ऑफ द बेबी एंड सी इज ऑफन ब्लेम दैट मदर इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग गर्ल चाइल्ड। बट After the development of biological science, it has become clear that male is responsible for child of the girl. Male is responsible for sex of child. ठीक है, हो जाता है स्लिप। तो ये हो गया, चलो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम DNA के बारे में पढ़ेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, अभी मजा आने वाला है, बहुत कुछ पढ़ाएंगे अभी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट है कमेंट के थ्रू पूछिएगा। और इस चैप्टर खत्म करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो आया हुआ है पहले भी और जो आ सकता है। ठीक है, आप टेंशन मत लो बोर्ड के लिए, लास्ट में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसी में से आते भी है। ठीक, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, फोसिल्स के बारे में बहुत कुछ अभी पढ़ाना है, अभी मिड में भी नहीं पहुंचे हैं चैप्टर का। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।